जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम लोग नेटवर्क एनालिसिस के अपने अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, केवीएल, केसीएल, नोडल एनालिसिस, मेस एनालिसिस और तीन प्रकार की थ्योरम्स। पहली थ्योरम हमने पढ़ी सुपरपोजिशन थ्योरम, सेकंड थ्योरम हमने पढ़ी थेवेनिन्स थ्योरम और थर्ड थ्योरम्स हमने पढ़ी नॉर्टन्स थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में आपको बताया कि वो लीनियर सर्किट की कंडीशन में ही अप्लाई होगी, थेवेनिन्स और नॉर्टन्स थ्योरम कहीं भी अप्लाई हो सकती हैं। लेकिन जो लास्ट थ्योरम जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल का या इलेक्ट्रिकल मशीन जो भी हम पावर सिस्टम पढ़ेंगे उन सब का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ये आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहती है, ये कोई सोर्स है, सोर्स कुछ भी हो सकता है, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, उससे मतलब नहीं है। सोर्स से लोड की तरफ जो पावर का ट्रांसफर है उसके बारे में ये बताती है। पहली बात तो ये हमें कंडीशन बताती है, ये पूरा लिख लीजिएगा आप कंडीशन, ये कंडीशन ये बताती है कि एट विच कंडीशन मैक्सिमम पावर इज टू बी ट्रांसफर्ड, ये एक्स का मतलब ट्रांस। ठीक है, तो आप पूरा लिख दीजिएगा, बस मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, एट विच कंडीशन मैक्सिमम पावर इज टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू लोड। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन पर सोर्स से लोड की तरफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। सोर्स वही होता है जो पावर को डिलीवर करे और लोड वो होता है जो पावर को कंज्यूम करे, तो किस कंडीशन पर सोर्स इसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा कंजम्पशन के लिए। और सेकंड वो ये बताती है कि मैक्सिमम पावर कितनी ट्रांसफर हो सकती है, मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ट्रांसफर्ड। उस मैक्सिमम पावर की ये वैल्यू बताती है। ठीक, तो देख लेते हैं, हमें सर्किट नहीं पता कि यहां पर क्या है, जैसा सिंपल सर्किट बना है वैसे है या इसके पहले और भी कई सारे सर्किट या नेटवर्क एलिमेंट्स का कम्बिनेशन है, इससे में मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम इस पूरे कॉम्प्लेक्स सर्किट को, इधर का जितना भी है, उसको थेवेनिन्स वोल्टेज और थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में बदल देते हैं। तो सिंपल सी बात है, तो ये है RTH और इधर लगा है VTH। ये पूरा का पूरा सोर्स का रिप्रेजेंटेशन है, या ये कहिए कि इधर के पूरे लेफ्ट साइड के पूरे नेटवर्क का रिप्रेजेंटेशन है, और इधर खाली और खाली क्या लगा है, लोड रेजिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं RL। अभी हम लोग रेजिस्टेंस ही पढ़ रहे हैं, इस वजह से रेजिस्टेंस ही लगा रहे हैं। जब हम इम्पीडेंस पढ़ेंगे, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस भी, तब हम ZL यहाँ पर लिखेंगे। तो जब हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो बाकी कॉन्सेप्ट समझना क्या होता है, आसान होता है। इस वजह से अभी सिंपल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि है क्या। अगर मैं यहाँ पर करंट निकालूं तो करंट की वैल्यू क्या मिलेगी, VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL। तो लोड के क्रॉस पावर क्या हो जाएगी, पावर ट्रांसफर्ड टू लोड, या ये कहिए पावर कंज्यूम्ड बाय लोड।
लोड के अक्रॉस पावर क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर आर एल, यही होगा, होगा या नहीं होगा, यही होगा। करंट की वैल्यू रख लीजिए, वी टी एच डिवाइडेड बाई आर टी एच प्लस आर एल, इसका स्क्वायर इंटू आर एल, ठीक। हमें फॉर मैक्सिमम पावर, अगर हमें मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या कर देंगे, वेरिएबल के क्रॉस जीरो कर देंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या किए, जीरो किए इसका। एक बार वेरिएबल क्या है, लोड रेजिस्टेंस आपका, तो लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस डिफरेंशिएट करके क्या कर दीजिए, जीरो। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो वी टी एच स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फार्मूला लगा दीजिए। तो डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, आर एल का डिफरेंशिएशन आर एल के रिस्पेक्ट में वन माइनस न्यूमरेटर आर एल, इस टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आर एल के रिस्पेक्ट में, तो टू आर टी एच प्लस आर एल इंटू वन, इसके अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो स्क्वायर पहले से था और उसका भी स्क्वायर करेंगे तो फोर आ जाएगा, इज इक्वल टू जीरो, ठीक। चलिए अब कोई दो टर्म, दिस इंटू दिस टर्म, इसका मल्टीप्लिकेशन जीरो है, इसका मतलब कि कोई एक टर्म जीरो होगा। अगर मैं वी टी एच को जीरो कर देता हूं तो पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि सोर्स रहेगा ही नहीं, जब सोर्स रहेगा नहीं तो पावर ट्रांसफर कैसे होगी, इसलिए वी टी एच कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो अगर दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है और एक नंबर जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब कि दूसरा नंबर जीरो है, तो इसको इक्विवेलेंट जीरो कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, आर टी एच प्लस आर एल का स्क्वायर माइनस टू आर एल आर टी एच प्लस आर एल इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये कंडीशन मिल जाएगी, और ये कंडीशन ये बताती है कि इफ लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू थेवेनिन्स रेजिस्टेंस अक्रॉस लोड, ये आर टी एच है क्या, अगर मैं ध्यान से देखूं इस सर्किट में तो आर टी एच क्या है, आर टी एच क्या है, अगर मैं इसको ओपन कर देता हूं, हटा देता हूं, यहां से देखूंगा ये, यहां से देखने पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए लोड टर्मिनल को ओपन कर देते हैं और इसको क्या कर देंगे, शॉर्ट, तो इसको भी हटा दीजिए, तो मुझे क्या मिलेगा, आरटीएच। तो अगर लोड रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस लोड से जो रेजिस्टेंस निकलता है, लोड रेजिस्टेंस के टर्मिनल के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलता है उसी को आरटीएच बोल रहे हैं, तो अगर लोड रेजिस्टेंस उस आरटीएच के इक्वल है तब हमारी पावर की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। और अगर ऐसी कंडीशन है, अगर ऐसी कंडीशन है तो मैक्सिमम पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी एल इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एल, ये मैक्सिमम पावर है, तो कंडीशन भी मैक्सिमम वाली ही रखिएगा। तो वी टी एच आर टी एच किसके इक्वल है, आर एल के,
आरटीएच किसके इक्वल है? आरएल के। मैक्सिमम पावर की कंडीशन में। और अगर आरएल के इक्वल है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? वीटीएच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आरएल स्क्वायर इंटू आरएल, तो कितना हो गया? यहां पर आरएल की वैल्यू किसके इक्वल है? आरटीएच के। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का ये फार्मूला है, वीटीएच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आरएल, या ये कहिए वीटीएच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आरटीएच। ठीक। अब अगर मैं इस केस में एफिशिएंसी देखूं, यहां पर डालिए हेडिंग एफिशिएंसी इन केस ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। जब पावर मैक्सिमम ट्रांसफर हो रही है उस केस में एफिशिएंसी कितनी आएगी? तो यहां पर देख लेते हैं, यह है आरटीएच, यह है वीटीएच, और इधर क्या लगा था? लोड रेजिस्टेंस। यह है करंट की वैल्यू। तो एफिशिएंसी होती क्या है? आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। हमें लोड के क्रॉस कितनी पावर मिली? वीटीएच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आरटीएच कहिए या आरएल कहिए, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पावर के समय क्या होती है? आरटीएच आरएल के, आरएल आरटीएच के इक्वल होता है। ठीक। अच्छा, इनपुट पावर क्या हो जाएगी? वोल्टेज इंटू करंट। तो वीटीएच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आरटीएच वीटीएच, और करंट की वैल्यू क्या थी? वीटीएच डिवाइडेड बाय आरटीएच प्लस आरएल। मैक्सिमम पावर के समय आरएल किसके इक्वल है? आरटीएच के। तो यहां पर रख दीजिए, तो वीटीएच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आरटीएच, और यहां आ जाएगा वीटीएच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आरटीएच, तो कितना आ जाएगा? 1/2। अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 का मतलब 50%। तो याद रखिएगा कि जब लोड रेजिस्टेंस सर्किट में लगे थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर होगा तो उस लोड रेजिस्टेंस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी, ये पहली कंडीशन है। दूसरी बात, मैक्सिमम पावर कितनी ट्रांसफर हो सकती है? वो हो सकती है वीटीएच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आरटीएच। और तीसरी बात, इस कंडीशन पर एफिशिएंसी कितनी होगी? तो याद रखिएगा कितनी है? 50%। 50% से ज़्यादा आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये थ्योरम जो हमने पढ़ा, थेवेनिन्स नॉर्टन्स मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, इनका यूज हमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करना है। इलेक्ट्रॉनिक में क्या करते हैं? एक कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ेंगे, इम्पीडेंस मैचिंग। इम्पीडेंस मैचिंग सिर्फ और सिर्फ इसीलिए की जाती है कि जो इधर इलेक्ट्रॉनिक में एम्पलीफायर लगा होता है वो लोड को क्या दे? मैक्सिमम पावर दे। तो हम क्या करते हैं? लोड रेजिस्टेंस को उसी थेवेनिन्स रेजिस्टेंस से मैच कराते हैं, लोड इम्पीडेंस को। किसके लिए? ताकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो लोड में। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये सारी थ्योरम का यूज हम इलेक्ट्रॉनिक में करेंगे। थेवेनिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए। कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, एक वोल्टेज सोर्स और एक सीरीज में लगा रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे। पावर सिस्टम और मशीन में भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। मेजरमेंट सर्किट में भी हम थेवेनिन्स और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो याद रखिएगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फ्रिक्वेंटली यूज होती है इलेक्ट्रॉनिक में इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। ठीक है,
ट्रांसफार्मर में भी हम यूज करेंगे। ठीक, चलिए अब हम इस पर न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल आसान तभी होगा जब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा, आता होगा। क्यों? क्योंकि हर जगह आरटीएच आपको निकालना है, थेवेनिन रेजिस्टेंस, और थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने का एक ही तरीका है, जिस भी एक्सटर्नल के क्रॉस निकालना हो उसको ओपन कीजिए, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कीजिए, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को ओपन कीजिए, और जब इतना कर लेंगे तो उस ओपन टर्मिनल के क्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, और वही आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस होगा। ठीक, चलिए ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालिए ताकि यहां पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सके, और उस मैक्सिमम पावर की वैल्यू भी आपको बतानी है। ठीक, चलिए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का मैक्सिमम पावर के समय वही फार्मूला है जो थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला है, और थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमने आपको बता रखा है कि जिस भी टर्मिनल के क्रॉस थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है पहले तो उस टर्मिनल को ओपन कर दीजिए, और सर्किट में लगे बाकी इंडिपेंडेंट सोर्स के साथ क्या करना है, अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट, और अगर करंट सोर्स है तो उसको ओपन, तो कर दीजिए। हमने इसको ओपन कर दिया, इसको शॉर्ट कर दिया, और यहां से जब देखा तो ये दोनों ब्रांच किसमें हैं, पैरेलल में, तो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई, 2/3 ओम। ठीक, जैसे ही आ गया तो चाहे तो आप थेवेनिन सर्किट इसका बना लीजिए, इस पूरे को ऐसे में बदल दीजिए, फिर आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर लगा दीजिए, या आरएल की वैल्यू पता चल गई, यहां पर करंट निकाल लीजिए तो पावर क्या हो जाएगी, I²RL। आप किसी भी सर्किट किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं थेवेनिन से करना चाहूंगा, आपको मैं दोनों बता दे रहा हूं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, नहीं आप ये भी सोचेंगे कि इसी से क्यों कर रहे हैं। चलिए VTH निकालना है, VTH निकालने के लिए ये आपका VTH। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है ये तो है ओपन, जब ओपन है तो इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगी, नहीं फ्लो होगी ना। ठीक है, अब क्या करना है, तो VTH इसके क्रॉस वही वोल्टेज होगा जो यहां होगा। ठीक है, और यहां पर वोल्टेज क्या होगा, इसके लिए हमें चाहे तो नोडल एनालिसिस अप्लाई कर दीजिए और चाहे तो करंट। ठीक, तो मैं मान लेता हूं यहां पर वोल्टेज है V, नोडल एनालिसिस अप्लाई कीजिए, तो V-0/1 V-2 -0/2 + जाने वाली करंट एक और है 4 = 0, यहां से आप V निकालेंगे तो VTH क्या हो जाएगा, इनके और इनके क्रॉस कितना वोल्टेज है। ठीक है, तो VTH की वैल्यू क्या मिलेगी, VTH की वैल्यू मिलेगी V-2
माइनस आई इंटू आर, ये आपको VTH मिलेगा। यही मिलेगा, नहीं VTH आपको डायरेक्ट भी मिल जाएगा। VTH इज इक्वल टू इसके क्रॉस वोल्टेज, ठीक। दूसरा तरीका क्या हुआ, दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। दूसरे तरीके में क्या करेंगे, मान लेते हैं कि यहां से करंट I निकली। अब देखिए करंट इधर तो जाएगी नहीं क्योंकि ओपन सर्किट है, तो I अगर निकली तो इधर जाएगी, यहां से 4 इधर चली गई तो इधर कितनी गई, आई माइनस 4। अब आप क्या कीजिए, यहां पर केवीएल लगा दीजिए। केवीएल लगाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 माइनस 1 इंटू आई माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू, ओ सॉरी, 2 इंटू आई इज इक्वल टू 0। यहां से आपको आई की वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू कितनी आई सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 माइनस आई प्लस 4 माइनस 2 आई इज इक्वल टू 0। तो 6 माइनस 3 आई इज इक्वल टू 0, तो आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर, ठीक। अब इस ब्रांच में करंट पता चल गई, जब इस ब्रांच में करंट पता चल गई तो इस ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज कितना हुआ, इस ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज हो गया VTH, और VTH की वैल्यू क्या हो गई, I पॉजिटिव है मतलब करंट इधर की तरफ ही जा रही है, तो हो जाएगा 2 इस ब्रांच के क्रॉस आपको वोल्टेज चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, VTH इज इक्वल टू 2 इंटू आई प्लस 2। ये प्लस 2 क्यों, क्योंकि माइनस माइनस 2 हो जाएगा, इसी प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं, KVL अगर आप अप्लाई कर रहे हैं करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं हम, तो VTH की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 वोल्ट। सॉरी, V माइनस 2i माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो VTH इज इक्वल टू क्या मिला, 2 वोल्ट। ये आपका VTH मिल गया, तो यहां पर मिल गया 2 वोल्ट। RTH कितना निकला था, 2/3। RL की वैल्यू कितनी है, 2/3, तो मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी,
पी मैक्स वी टी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आर टी एच, तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 2/3 1.5 वाट, ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये थ्योरम सबसे आसान है। मैक्सिमम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही पूछेगा कि लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो कि इस पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो, इसका मतलब वो इनडायरेक्ट रूप से पूछ रहा है आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस लोड टर्मिनल या थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। ठीक है, निकालने का प्रोसेस बहुत ही आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है, यहां पर फ्लो होने वाली मैक्सिमम पावर को आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो सबसे सिंपल है, यहां पर फ्लो होने वाली करंट इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको क्या दी गई है 9 ओम। ठीक, और यहां पर फ्लो होने वाली करंट को आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यहां पर क्या कर दीजिए, नोडल एनालिसिस अप्लाई कर दीजिए, V1 V2 इधर 0 मानकर, तो क्या हो जाएगी, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 9, V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5, सारी जाने वाली करंट है, आने वाली करंट है 9, इक्वेशन फर्स्ट, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 9 प्लस V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, टू इक्वेशन, टू अननोन, V1 V2 आ गए, V1 V2 आते ही करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, V1 डिफरेंस V2 डिवाइडेड बाई 9, करंट आ गया, करंट आते ही आपको पावर मिल जाएगी। ठीक, ऐसा नहीं कि हर जगह आपको मैक्सिमम पावर पूछे तो आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ही लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक लोड रेजिस्टेंस चेंजिंग रहेगा वो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछेगा तब आपको लगाना है, अदरवाइज आप किसी भी मेथड से लगा सकते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में भी हमने यही मेथड लगाया था, आई स्क्वायर आर ही तो किया था, और तो कुछ किया नहीं था। ठीक है, बात समझ में आ गई, अगर और कोई दिक्कत हो तो पूछिए। इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें दो चीज़ें याद रखिएगा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करते समय सर्किट की मैक्सिमम एफिशिएंसी 50% होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। दूसरी बात, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम की कंडीशन यह है कि लोड रेजिस्टेंस को मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफ़र होगी जब लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस लगा है वो उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस या उस थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर हो जब लोड रेजिस्टेंस से देखेंगे। ठीक, और तीसरा कि उस मैक्सिमम पावर जो ट्रांसफ़र हो रही है उसकी वैल्यू क्या है, वो क्या होती है, थेवेनिन वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 और RTH। ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए आज हमारी इंडिपेंडेंट सोर्सेज की सारी नेटवर्क थ्योरम्स हमने ख़त्म कर ली हैं। अब कल से हम लोग KVL KCL स्टार्ट करेंगे, डिपेंडेंट सोर्स जब सर्किट में लगे हों तब, और फिर डिपेंडेंट सोर्स से ही हम सारी थ्योरम तक आएंगे। जब इतना हो जाएगा तब हम जा करके सर्किट के एक टॉपिक को कवर करेंगे जिसमें ये होता है कि सर्किट में आपको कोई भी एलिमेंट दिया हो, डिपेंडेंट सोर्स इंडिपेंडेंट सोर्स, तब आप सॉल्व कर सकें, तब आप KVL लगा सकें, तब आप KCL लगा सकें, तब आप नोडल एनालिसिस अप्लाई कर सकें, तब आप सुपर पोजिशन थ्योरम अप्लाई कर सकें, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और सबका बेस यही है कि आपको KVL अप्लाई करना आना चाहिए, नोडल एनालिसिस अप्लाई करनी आनी चाहिए, इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए, अगर वो आपने कर लिया तो फिर आप इस फील्ड के मास्टर हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, खूब पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।